और आपके जो फॉलोअर्स हैं ये आपका डांस मुजरा देखने आते हैं, आपके ये फॉलोअर्स नहीं हैं, ये तमाशबीन हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे शेयर हो रही है, लोग उसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे इनबॉक्स के अंदर सेंड की कि अली भाई इस पे बात करें। देखने में वो एक आम सी मामूली सी वीडियो है। सो मच रीच ऑन सोशल मीडिया अपार्ट फ्रॉम इमरान खान, शायद उनके टोटल नंबर ऑफ फॉलोअर्स आपसे ज्यादा है। इमरान खान से आई गेस सेम ही है आपके इतने, ऊपर थोड़े नीचे, मेरे थोड़े ज्यादा होंगे। एक टिकटॉकर खातून है जो ये कहती हैं कि मेरे फॉलोअर्स इमरान खान से ज्यादा हैं। देखा जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, उसकी मर्जी, अपनी मन बुद्धि के हिसाब से उसने बात कर दी, मतलब जो उसकी मेंटेलिटी सोच थी, जितना उनका नॉलेज था, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, उनकी मर्जी जो उन्होंने कहा। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं वो उनसे अकीदत रखते हैं, इश्क की हद तक इमरान खान को चाहते हैं, वो रियल फॉलोअर्स हैं उनके, इनकी तरह तमाशबीन नहीं है। इनके जो फॉलोअर्स हैं वो तो तमाशबीन हैं, मुजरा डांस देखने आते हैं, जो ये करती हैं, जिस तरह का कंटेंट इनका होता है। इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं वो तो 26 घंटों तक खड़े होकर के सड़क पे उनकी खातर शेलिंग बर्दाश्त करते हैं, 16,000 की तादाद में उनकी खातर जेलों में चले गए हैं आज, और करोड़ों की तादाद में उन्हें वोट देते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इमरान खान साहब से एक बहुत बड़ी अकीदत है ऑडियंस की, अवाम की, पाकिस्तानी स्पेशली, उन्हें बुरा लगा है कि इस तरह से आकर के इन्हें नहीं कहना चाहिए था। मेरा अपना ये ज़ाती ख्याल है कि जब इनसे ये सवाल हुआ तो इनका जवाब ये होना चाहिए था कि इमरान खान एक इंटरनेशनल लीडर हैं, मेरा उसके साथ कंपेरिजन तो बनता ही नहीं है, तो कम से कम ये चीज़ नहीं थी कहनी चाहिए। मैं एक डाई हार्ट फैन हूँ इमरान खान साहब का, मुझे ख़ुद को भी बुरा लगा इस तरह से कहना कि मेरे उनसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो मैंने सोचा इस बीबी की गलतफहमी थोड़ी दूर कर दूँ, मैं इनको ज़रा आईना दिखा दूँ कि असल फॉलोइंग कहते किसे हैं, जेन्युइन फॉलोइंग होती क्या है। मैं नंबर्स पे नहीं जाऊंगा कि मेरे नज़दीक सोशल मीडिया के फॉलोअर्स का जो नंबर्स होते हैं वो मैटर नहीं करते कि आप कितने बड़े स्टार हैं या कितने फेमस हैं दुनिया के अंदर। फिर भी इमरान खान साहब के फेसबुक पे तकरीबन 13 मिलियन फॉलोअर हैं, ट्विटर के ऊपर 19 मिलियन फॉलोअर हैं, 8 मिलियन से ज़्यादा उनके इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोअर हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन सोशल मीडिया जो यूज़ करते हैं उसके तकरीबन 40 मिलियन उनकी अपनी प्रोफाइल के हैं, उसके अलावा पीटीआई के जो अकाउंट्स हैं उनकी मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, पीटीआई इस्लामाबाद, पीटीआई लाहौर, पीटीआई यूएसए, पीटीआई यूके, मिलियंस ऑफ मिलियंस पाकिस्तानी पीटीआई के अकाउंट्स को फॉलो करते, तो वो भी इनडायरेक्टली फॉलोअर्स तो उन्हीं के हुए, तो उनकी अपनी प्रोफाइल के 40 मिलियन है। तो ये जो बीबी बात कर रही थी मेरे फॉलोअर्स उनसे ज़्यादा हैं, पहले तो ये सच जान लें कि आपके टिकटॉक और इंस्टाग्राम दो ही अकाउंट हैं जिस पे टोटल मिला के मेरे ख्याल में आपके 26 मिलियन फॉलोअर बनते हैं, तो खान साहब से तो आपके फॉलोअर ज़्यादा हैं ही नहीं। ये पहली बात जो आपने की ये झूठ है, ये बेबुनियाद बात थी। अगर होते भी तो दैट डजंट मीन्स कि इमरान खान का या आपका कोई कंपैरिजन हो सकता है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। टेलर स्विफ्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ, इंटरनेशनल सिंगर है अमेरिका की। जिस शहर के अंदर मैं रहता हूँ ना, अटलांटा में, लास्ट मंथ यहाँ पे उसका एक कॉन्सर्ट था, मैं खुद उस कॉन्सर्ट के अंदर गया, वहाँ पे तकरीबन 70,000 टिकटें बिकी थी उसके कंसर्ट की, आप गूगल करके देख सकते हैं, और एक टिकट की प्राइस थी तकरीबन $200, यानी कि उस बीबी ने $14 मिलियन एक कॉन्सर्ट में कमा के चली गई, और 5,000 से ज़्यादा टिकटें वो बिकी थी जो गैर मुल्कियों ने खरीदी थी अमेरिका से बाहर, जर्मनी, फ्रांस और इन मुल्कों से आए थे उसे देखने के लिए, और एक कॉन्सर्ट का $14 मिलियन कमा करके, $14 मिलियन रुपए नहीं डॉलर कमा करके वो चली गई, ठीक है ना। अब उस टेलर स्विफ्ट के टिकटॉक पे 19 मिलियन फॉलोअर हैं, इस बीबी जो ये बात कर रही थी इनकी 22 मिलियन फॉलोअर हैं। अब आप कल से कहना शुरू कर दो कि आप टेलर स्विफ्ट से बड़ी स्टार हो, ये मतलब यार आपके हिसाब से ये सुनने वाले क्या मन बुद्धि से आपने ये बात की थी। अच्छा, एंजेलिना जोली को तो जानते होंगे आप, ये वो लेडी है, ये वो खातून है, यहाँ फ्लोरिडा में अमेरिका के अंदर डिज्नीलैंड में अगर आप चले जाएं तो बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर एंजेलिना जोली का उतरा हुआ एक लिबास रखा हुआ है। उसके कपड़े जो उसने पहने थे वो बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर रखे हुए हैं, और लोग टिकट दे करके उसके उतरे हुए कपड़े देखने के लिए आते हैं एंजेलिना जोली के। ये इतनी बड़ी स्टार इंटरनेशनल, इनके तमाम सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं, इन तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इनके 13 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अब ये बीबी उनसे भी बड़ी स्टार हो गई है, एंजेलिना जूली से भी। तो फॉलोअर्स का जो आप हिसाब किताब हमें बता रही है ना, तो एंजेलिना जूली से भी आप कल से बड़ी स्टार हैं, ठीक है। एक यूट्यूबर हैं जिनका नाम है केरी मिनाटी, इंडिया से उनका ताल्लुक है, बहुत फेमस हैं, लोग जानते होंगे उनको काफ़ी। उन्होंने एक दफ़ा टिकटॉक के कॉन्टेंट को बकवास कॉन्टेंट कहते हुए एक
वीडियो बना दी थी, तो जिस पर टिकटॉकर्स जो थे उन्होंने लान तान शुरू कर दिया उसके ऊपर। अच्छा, उस बंदे ने बड़े कमाल का काम किया। उसने क्या किया, टिकटॉक पे अकाउंट बनाया और एक गधे की वीडियो डाल दी टिकटॉक के ऊपर। गधा ऐसे दौड़ के आता है भौंकता हुआ, उसकी वीडियो उसने डाल दी। तकरीबन 24 मिलियन लोगों ने उस वीडियो को देखा और 2 मिलियन लोगों से ज्यादा उस वीडियो को लाइक कर दिया लोगों ने। और उसके उसके अकाउंट पर और कुछ भी नहीं है। उसने सुबह अकाउंट बनाया, गधे की वीडियो डाली, दैट्स स्टिल टुडे, आज तक उसने टिकटॉक पे कुछ नहीं डाला। उस गधे की वीडियो के ऊपर उसने लिखा कॉन्टेंट, यानी कि टिकटॉक पे इस तरह का कॉन्टेंट आता है, ये उसके अल्फाज थे, वो ये कह रहा था। उसके मिलियंस में फॉलोअर्स हो गए, गधे की वीडियो को भी इतने लोगों ने देख लिया। तो ये जो फॉलोअर गेम, टिकटॉकर, ये जो आप बता रही हो ना, ये पीटीआई की पढ़ी लिखी यूथ है, इनको सारे मामलात पता होते हैं। तो बराए मेहरबानी नेक्स्ट टाइम अगर कोई इंटरव्यू में बुलाए आपको, तो अपने जो दिमाग है इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया करें। इमरान खान साहब इंटरनेशनल लीडर हैं, उनको जब आप इस तरह कहेंगी एक एटीट्यूड में कि आपके फॉलोअर्स उनसे ज़्यादा हैं, तो करोड़ों पाकिस्तानी उनके चाहने वाले, उन्हें ये बात बुरी लग सकती है। तो बराए मेहरबानी ज़रा उतना रहें जितनी आप हैं, और आपके जो फॉलोअर्स हैं ये आपका डांस मुजरा देखने आते हैं, आपके ये फॉलोअर्स नहीं हैं, ये तमाशबीन हैं। कमेंट्स में नीचे आपको गंदी गालियाँ भी ये दे रहे होते हैं। तो मुझे बहुत लोगों ने कहा इसके ऊपर बात करनी चाहिए, सो हियर आई एम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।